हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड, अभी दोपहर का समय हो रहा है, करीब 1:30 बज रहे हैं, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया था अपना ब्लॉग, और वैसे भी मुझे सुबह में वक्त नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का। मतलब सुबह भागदड़ मची रहती है, ये काम करो वो काम करो, बहुत तरह के काम होते हैं। तो सुबह तो मैं जल्दी वीडियो बनाती नहीं, बहुत कम बनाती हूँ सुबह का वीडियो में। और देखिए, मेरे दोनों बच्चे यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। दोपहर का समय है तो बूंदी का रायता पीने में बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने भी बनाया है। और मैंने इसके पापा को भी दे दिया है एक बोतल छाछ भरकर। वो हर दिन छाछ पीते हैं, तो दही मुझे घर में ही जमाना पड़ता है हर दिन, क्योंकि खरीदा हुआ दही उतना अच्छा नहीं होता है, घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं घर पर ही जमा लेती हूँ। और अभी मैं रायता बना रही हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। तो वैसे ही सिंपल सा रायता है, कोई खास रायता नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये बनाया है बूंदी का रायता, और बस सिंपल सा बनाया है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं, लाल मिर्च और काला नमक है, और मैंने तीनों को मिला दिया है इसमें। और ये बूंदी है और छाछ है, तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। दही तो मैं घर पर ही जमाई हूँ, तो उसको मैंने फेंट कर छाछ बना लिया है। और यहाँ देखिए, आयशा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है पीने के लिए, और आयुष भी। तो मैं दोनों बच्चों को दे रही हूँ। बूंदी फूल चुकी है, और ये शादी वाली बूंदी ले आया है। एक और मिलती है, उसमें मतलब धनिया पत्ता ये सब डाला हुआ रहता है, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये लाया है शादी वाली, तो पता नहीं है कैसा लगेगा, तो फिर भी अब आ गया तो उसको तो पीना तो है ही, तो हम लोग पीते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, है ना। ऐसा बोल दो, बोलो वीडियो में बने रहिएगा, हैं। हाँ, और ये देखिए, वो ऐसा बोल रही है, नहीं रहिएगा, नहीं जी मत जाइएगा, बने रहिएगा। ऐसा बोलो बोलो, बने रहिएगा, आप वीडियो बने रहिएगा। हाँ, आप बोल दिए वीडियो बने रहे, तो बने रहिएगा, जाइएगा मत। और हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग पी लीजिए बूंदी रायता, बूंदी का रायता, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो हम लोग पीते हैं जी। तो फ्रेंड, मैंने अपना रायता खत्म कर लिया है, लेकिन बच्चों का खत्म नहीं भी हुआ है। वो दूसरे कमरे में चले गए हैं, और बोले कि मैं टीवी देखते हुए खाऊंगा, मतलब रायता या पीऊंगा कुछ भी। तो चले गए वहाँ पे वो अपना खत्म करेंगे टीवी देखते हुए। उनको बहुत अच्छा लगता है टीवी देखकर कुछ भी खाना पीना, तो वो अपना टीवी देखकर खाएंगे। और जब तक मैंने सोचा मैं अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ फिर से। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वीडियो पर सिर्फ कमेंट करके चले जाते हैं, तो मैं सभी को ऐसा नहीं कह रही हूँ जो ऐसा करते हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या डिसलाइक दे सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके चले जाते हैं बहुत अच्छा ये वो, तो उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, और वॉच टाइम बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ऐसा मत किया कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो वीडियो को मत देखा कीजिए, कमेंट करने का एहसान मत किया कीजिए, क्योंकि कमेंट आता है तो फिर उस पर जाना भी तो पड़ता है। तो ऐसा मत किया कीजिए प्लीज़। जो भी भाई बहन है उनसे मैं कह रही हूँ, आप लोग भी एक क्रिएटर हैं, आप समझ सकते हैं वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। और मेरी वीडियो उतनी अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत तो लग ही जाती है, और मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। पता नहीं मैं अभी तक ब्लॉगिंग करना क्यों नहीं सीख पाई हूँ। बहुत सारे भैया दीदी हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है। बहुत सारी दीदी हैं जो कि अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती है, अपना आफ्टरनून का रूटीन दिखाती है, सभी चीज़ों का रूटीन दिखाती है, और अपना पूरा घर दिखाती है, मकान नहीं घर, अपना पूरा घर दिखाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पूरा घर जब दिखा के ब्लॉगिंग किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे वीडियो में आप सभी को इस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उस तरह का वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं मैं नहीं चाहती हूँ बनाना, मैं चाहती हूँ बनाना, लेकिन कुछ कारण बस मैं नहीं बना पाती हूँ। तो क्या कारण है मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जिस फ्लैट में हम रह रहे ना, उसका जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो जब मैं शूट करना चाहती हूँ मतलब ब्लॉगिंग के लिए,
तो बिल्कुल बेकार आता है, क्वालिटी तो अच्छा नहीं आता है और लाइटनिंग भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है वीडियो की, तो फिर इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत तो दिखाया है आप सभी को किस तरह का हो रखा है, लेकिन पूरा नहीं दिखाया है, पूरा दिखाऊंगी तो बहुत बेकार लगता देखने में, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी अच्छे से, तो थोड़ा सा समय दीजिए, तो बहुत जल्दी मैं करके दिखाऊंगी आप सभी को। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि किस तरह से हो रखा है मकान। फ्रेंड पूरा दीवार खराब हो रखा है, देखिए इस तरह से हो रखा है, और ये तो कुछ सही भी दिखता है, इससे भी बेकार है, वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड इस दीवार को क्या हाल हो रखा है इसका, ये देखिए। तो ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के इसको ख़राब किया है, पहले से ही हो रखा है, पहले से कम था, अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसकी हालत ख़राब होते जा रही है। ये देखिए किस तरह से इसका मटेरियल, देखिए किस तरह से रखा हुआ है, देखिए ये देखिए, तो बताइए किस तरह से हो रखा है। और हमने मकान मालिक को बोला कि आप ठीक करवा दो, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया, वो बोले कि नहीं मैं इसको बेचूंगा तो इसमें मैं पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। तो खैर छोड़िए, हम तो यहाँ किराए पर रहते हैं, तो यहाँ नहीं तो कहीं और रह लेंगे। और भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड ये मेरा हॉल का दीवार है, तो देखिए किस तरह से ख़राब हो रखा है, ये हॉल है हमारा। तो और देखिए यहाँ की लाइटिंग कितनी मतलब ख़राब आ रही है इसकी क्वालिटी वीडियो की, तो मतलब हमारा जो काम है तो चल जाता है, और जो ऊपर दीवार में लगा हुआ रहता है ना बल्ब, वो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हम उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करते हैं। और देखिए किस तरह से ख़राब हो रखा है। और मैं दीवार दिखाती हूँ, इसलिए मैं हॉल में वीडियो शूट करती ही नहीं हूँ कभी, और हॉल में ही सारा किचन वगैरह सब चीज़ है, तो इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ। और किचन की भी हालत ख़राब हो रखी है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ ज़्यादा कुछ। फ्रेंड ये दूसरे कमरे का दीवार देखिए किस तरह से हो रखा है, ऐसा हट जाओ बेटा। और देखिए इसमें थोड़ा सा भी आप टच होइएगा पूरा ये हाथ में लग जाता है, और इधर तो कम है, आपको मैं दूसरा दीवार दिखाती हूँ। और ये देखिए ये हमारा टीवी का दीवार है, देखिए टीवी चल रहा है अभी। और देखिए ये दीवार किस तरह से हो रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा खराब रखा है, मतलब इसमें सीलन पूरी लगी हुई है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से हो रखा है। और मतलब जो हमारा टीवी वगैरह है वो भी देखिए खराब हो रहा है पूरा, इस पर धूल गिर जाता है, मैं साफ़ करती हूँ फिर तुरंत में गिर जाता है। और देखिए कुछ तरह किस तरह से हो गया है, और देखिए ऊपर बोल रही है ऐसा दिखाने, तो देखिए तो इसी कारण से मैं नहीं दिखाती हूँ। और इससे भी बुरी हालत है, जो हॉल है हमारा उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है उसकी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ वहाँ पे, और पूरा ब्लैक ब्लैक सा आता है। और ये देखिए ये हॉल का दीवार है, तो देखिए यहाँ क्वालिटी कैसी आती है वीडियो की, बिल्कुल बेकार आती है, इसलिए मैं यहाँ शूट ही नहीं करती हूँ। और जब इसका लाइट अच्छा था तब अच्छी आती थी इसकी क्वालिटी, लेकिन अभी बिल्कुल बेकार आती है, देखिए इस तरह से बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट ही नहीं करती हूँ ज़्यादा, यहाँ पे तो मैं करती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, या तो उस कमरे में करती हूँ या तो उस कमरे में करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने आप सभी को दिखाया दीवार किस तरह से हो रखी है, और मैंने आप सभी को हॉल भी दिखाया, पूरा तो नहीं दिखाया बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाया, और वहाँ पे रोशनी भी बहुत कम आती है, तो आपने देखा वीडियो की क्वालिटी किस तरह की आती है, इसलिए मैं नहीं वहाँ पर शूट करती हूँ। और मेरा सारा चीज़ तो वहीं पर है, जैसे कि किचन बाथरूम सभी चीज़ें वहीं पर है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ पूरा, बस थोड़ा थोड़ा ही शूट करती हूँ, कुछ भी शूट करती हूँ थोड़ा बहुत, तो वही है मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ की देखिए लाइट ठीक है इस कमरे की और उस कमरे की, तो यहीं पे बैठ के मैं अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ, या तो उस कमरे में बैठकर शूट कर लेती हूँ, पूरी ब्लॉगिंग में नहीं करती हूँ। पूरी करती हूँ तो फिर कहीं का लाइट अच्छा आता है, कहीं का बेकार आता है, अगर इस कमरे में मैं कुछ करके दिखा रही हूँ आपको, झाड़ू पोछा या कुछ करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ तो अच्छा आएगा, लेकिन जो हॉल का है वो बिल्कुल बेकार आएगा, अगर मैं बर्तन धोकर दिखा रही हूँ तो वहाँ भी खराब आएगा। जब मैं खाना बनाती हूँ वहाँ तो फिर मैं लाइट जला लेती हूँ, जो मोबाइल में लाइट होता है उसको जला कर दिखाती हूँ, कुछ रेसिपी वगैरह दिखाती हूँ, तो और ऐसे सही दिखता है, इससे मतलब रोशनी ज़्यादा कम नहीं लगती है, ठीक लगता है, काम चल जाता है हमारा, लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ उसमें बिल्कुल काला काला सा आता है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम उसको ठीक नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, लेकिन जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं वो हमारा अपना नहीं है, हम किराए पर रह रहे हैं, और हमने मकान मालिक को बोला था कि ठीक करवा दो आप, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं हम इसको बेच देंगे, हम इसमें पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारी दीवारें ख़राब हो रखी है, अगर उसको भी ठीक करवाएंगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो अब उनकी चीज़ है तो वो बेचे या कुछ भी करें, हम तो किराएदार है तो कहीं भी रह लेंगे, हमारा अपना घर तो है नहीं, तो पता नहीं जीवन में कभी हो पाएगा भी या नहीं, शायद हमारे नसीब में घर नहीं है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जिस तरह से अभी काम चला रहे हैं उसी तरह से काम चलाएंगे और क्या। और फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर देती हूँ, और आज तो मैंने आप सभी को वीडियो में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन